नमस्कार गाइस, मैं कामना, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम एक ऐसी शख्सियत की जो भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक गणितिक मानव ज्योतिषी के रूप में फेमस थी, शकुंतला देवी। मानव कंप्यूटर के नाम से विख्यात गणितिक एवं ज्योतिषी शकुंतला देवी संख्यात्मक परिगणना में गजब की फुर्ती एवं सरलता से हल करने की क्षमता के कारण उन्हें मानव कंप्यूटर के नाम से जाना जाता था, उन्हें मानव कंप्यूटर कहा जाता था। उन्होंने अपने समय के सबसे तेज माने जाने वाले कंप्यूटर को गणना में मात दी थी। शकुंतला देवी भारत की एक महान शख्सियत एवं जिंदा दिली महिला थी, वो हमारे बीच नहीं है। उनके बारे में, उनके जीवनी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और अभी उनकी फिल्म भी आ रही है जिसमें लीड उनका जो रोल कर रही हैं वो विद्या बालन कर रही हैं, तो उनकी बायोग्राफी पर वो फिल्म भी बन गई है जो आ रही है, आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। उसका प्रोमो तो चल ही रहा है हर जगह। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगता है उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। हम चर्चा करते हैं शकुंतला देवी के बारे में कि उनका जन्म कहाँ हुआ। Actually speaking, the way I look at it is, man is still superior to computers because it is man who discovered the computer. Computer did not discover man. You see? I see. But you know, 80 और 90 के दशक में अगर कोई बच्चा गांव या शहर में गणित में तेज होता था तो उसे कहा जाता था कि ये शकुंतला देवी बनने जा रहा है। तो इस तरह से वो इतनी फेमस थी एक गणितज्ञ के रूप। मानसिक गणना पलक झपकते ही कर लेने में माहिर शकुंतला देवी का जन्म 4 नवंबर 1929 को बेंगलोर कर्नाटक शहर में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। शकुंतला देवी एक गरीब परिवार में जन्मी थी जिसके कारण वो औपचारिक शिक्षा भी नहीं ग्रहण कर पाई थी। युवा अवस्था में इनके पिता ने मंदिर का पुजारी बनने से इनकार कर दिया था। वे मदारी जैसे खेल दिखाने वाली तनी हुई रस्सी पर चल करके लोगों का मनोरंजन करना पसंद करते थे। परिणामतः सर्कस में एक कलाकार के रूप में कार्य करने लगे थे। जब शकुंतला देवी मात्र 3 वर्ष की थी तब ताश खेलते हुए उन्होंने कई बार अपने पिता को हराया। पिता को जब अपनी बेटी की इस क्षमता के बारे में पता चला तो उन्होंने सर्कस छोड़ करके शकुंतला देवी पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करना शुरू कर दिया और इनकी क्षमता को भी पहले स्थानीय स्तर पर प्रदर्शित की। अपने पिता के माध्यम से रोड शो करने वाले शकुंतला देवी को अभी भी दुनिया में पहचान नहीं मिली थी, लेकिन जब वो 15 वर्ष की हुई तो राष्ट्रीय मीडिया सहित अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उन्हें पहचान मिलने लगी। शकुंतला देवी उस समय पहली बार खबरों की सुर्खियों में तब आई जब BBC रेडियो के एक कार्यक्रम के दौरान इनसे अंकगणित का एक जटिल सवाल पूछा गया। उसका उन्होंने तुरंत ही जवाब दे दिया। इस घटना का सबसे मजेदार पक्ष ये था कि शकुंतला देवी ने जो जवाब दिया था वो सही था, जबकि रेडियो की तरफ से जो जवाब दिया गया था वो गलत था। शकुंतला देवी का विवाह वर्ष 1960 में कोलकाता के एक बंगाली IAS अधिकारी परितोष बनर्जी के साथ हुआ। इनका वैवाहिक संबंध बहुत दिनों तक नहीं चल सका और किसी कारण वर्ष 1969 में भी अपने पति से अलग हो गई। वर्ष 1980 में अपनी बेटी के साथ पुणे बेंगलोर लौट आई। यहाँ वे सेलिब्रिटीज और राजनीतिज्ञों को ज्योतिष का परामर्श देने लगी। शकुंतला देवी ने संसार के 51 देशों में यात्रा की, बहुत सारी शैक्षणिक संस्थानों, थिएटर, यहाँ तक कि टेलीविजन में भी अपनी गणित क्षमता का प्रदर्शन किया। 27 सितंबर 1973 को विश्व भर में प्रसारित होने वाले रेडियो चैनल BBC द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम नेशनल वाइड में उस समय की चर्चित बॉब बेल्सिंग द्वारा गणित से संबंधित पूछे गए सभी जटिल प्रश्नों का सही उत्तर देने के कारण वे भी अचंभित हो गए थे। इनकी इस प्रतिभा से इनके प्रशंसकों की संख्या भारत सहित विश्व भर में क्रमशः बढ़ती गई। इतनी कम उम्र में ही गणित के क्षेत्र में ऐसी अद्भुत क्षमता देखने को उस समय संसार में कहीं नहीं मिलती थी। विश्व में अपने गणितीय शैक्षणिक धूम मचाने के बाद अपने देश भारत में
पूर्ण रूप से प्रसिद्ध हो गई। इसके बाद इंपीरियल कॉलेज लंदन में उन्होंने 18 जून 1980 को गणित के एक कठिन प्रश्न का सही उत्तर कुछ सेकंडों में देकर के वहां उपस्थित दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया था। केवल 16 वर्ष की अवस्था में इनको बहुत प्रसिद्धि तब मिली जब उन्होंने 213 अंकों की संख्याओं का गुणफल 28 सेकंड में निकाल करके उस समय के संसार के सबसे तेज कंप्यूटर को 10 सेकंड के अंतराल से हरा दिया था। उस समय इनकी इस अद्भुत क्षमता को देख करके हर कोई उन्हें समय समय पर परखना चाहता था। वर्ष 1977 में शकुंतला देवी को अमेरिका जाने का मौका मिला। यहाँ डांस की एक यूनिवर्सिटी में उनका मुकाबला आधुनिक तकनीकों से लेस एक कंप्यूटर यूनिवेक से हुआ। इस मुकाबले में शकुंतला को मानसिक गणना में 201 अंक की एक संख्या का 23वां मूल निकालना था। ये सवाल हल करने में उन्होंने 50 सेकेंड लगाए, जबकि यूनिवेक नाम के कंप्यूटर ने इस काम के लिए 62 सेकेंड का समय लिया था। इस घटना के तुरंत बाद ही दुनिया भर में शकुंतला देवी का नाम भारतीय मानव कंप्यूटर के रूप में विख्यात हो गया। अगर हम बात करें कि शकुंतला देवी को पुरस्कार क्या क्या मिले, शकुंतला देवी को फिलीपींस विश्वविद्यालय ने वर्ष 1959 में वर्ष की विशेष महिला की उपाधि और गोल्ड मेडल प्रदान किया। वर्ष 1988 में उन्हें वाशिंगटन डीसी में रामानुजन मैथमेटिकल और इंजीनियर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनकी प्रतिभा को देखते हुए इनका नाम वर्ष 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया। वर्ष 2013 में इन्हें मुंबई में एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इन्हें 84वीं जन्मदिन पर 4 नवंबर 2013 को गूगल ने इनके सम्मान स्वरूप इन्हें गूगल डूडल समर्पित किया। शकुंतला देवी की मृत्यु कैसी हुई? शकुंतला देवी का एक लंबी बीमारी के बाद हृदय गति रुक जाने और गुर्दे की समस्या के कारण 21 अप्रैल 2013 को बेंगलोर कर्नाटक में ही 83 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। मैं कामना, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगता है उसे लाइक शेयर जरूर करिए।